This video is brought to you by Infinix Hot 10 Play. दिल्ली में ऑक्सीजन की भारी किल्लत है। ऑक्सीजन की कमी से अस्पतालों में गंभीर रूप से बीमार मरीजों की मौत की खबरें आ रही हैं। इस मुद्दे पर दिल्ली हाईकोर्ट ने भी गंभीर टिप्पणी की थी। कहा था कि उन अफसरों को फांसी पर चढ़ा देंगे जो ऑक्सीजन की सप्लाई में बाधा डाल रहे हैं। सीएम अरविंद केजरीवाल तमाम मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर गुहार लगा रहे हैं। वे राज्यों से अपील कर रहे हैं कि दिल्ली को ऑक्सीजन सप्लाई करें। केंद्र को शुक्रिया अदा करने के साथ ऑक्सीजन की बढ़ती डिमांड को पूरा करने की बात भी लगातार कह रहे हैं। इस बीच ऑक्सीजन को लेकर देश के हेल्थ मिनिस्टर हर्षवर्धन के एक बयान पर बवाल हो रहा है। दिल्ली में कोरोना की दूसरी लहर में ऑक्सीजन की बढ़ती डिमांड को देखते हुए लोग अपनी नाराजगी जता रहे हैं। असल में बवाल हेल्थ मिनिस्टर के उस बयान पर है जिसमें वे दिल्ली के लिए ऑक्सीजन के कोटे की बात कर रहे हैं। दिल्ली को कोटे के मुताबिक मिली ऑक्सीजन को लेकर हेल्थ मिनिस्टर ने कहा, दिल्ली को कोटे से ज्यादा ऑक्सीजन दी गई है। खुद सीएम केजरीवाल ने भी पीएम को शुक्रिया बोला था। राज्य में सही तरह से ऑक्सीजन पहुंचाने की व्यवस्था भी कर दी गई है। डॉक्टर हर्षवर्धन शनिवार यानी कि 24 अप्रैल को सरदार पटेल कोविड केयर सेंटर की तैयारियों को देखने पहुंचे। ये अगले हफ्ते मरीजों के लिए तैयार हो जाएगा। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हर राज्य को अपने कोटे के हिसाब से ही ऑक्सीजन दी गई है और अब उसे सही तरह से मैनेज करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। डॉक्टर हर्षवर्धन के ट्वीट को लेकर ट्विटर पर कुछ लोग काफी आहत नजर आए हैं। विरल खिमेसरा ने लिखा, गुजरात को 95,000 एक्टिव केसेस पर 975 मीट्रिक टन और दिल्ली के इतने ही केसेस पर 480 मीट्रिक टन, बाकी दिल्ली के पेशेंट क्या सांस रोक लें। कमल नारायण ओमेर ने लिखा, अगर दिल्ली की कोटे से ज्यादा ऑक्सीजन मिल रही है तो फिर सारे अस्पतालों में ऑक्सीजन क्यों नहीं है? या तो कोटे में कमी है या फिर पहुंचने के प्रयत्नों में। बहरहाल क्या जाने बचाने का कोई कोटा भी होना चाहिए, ये समझ में नहीं आता। कुछ भी हो बस नियत में कमी नहीं होनी चाहिए। मोहन नाम के यूजर ने ऑक्सीजन की डिमांड सप्लाई का कथित डॉक्यूमेंट पोस्ट करते हुए लिखा, क्या वाकई में सर? सानिया ने ट्वीट किया, कोटा का मतलब क्या होता है? क्या ये दाल चावल चीनी है जिसे लोगों में राशन कार्ड का कलर देख कर दिया जा रहा है? एक दिन पहले ही यानी 24 अप्रैल को ऑक्सीजन की किल्लत पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने केंद्र से पूछा था कि दिल्ली को आवंटित प्रतिदिन 480 मीट्रिक टन ऑक्सीजन कब मिलेगा। कोर्ट ने कहा था, आप यानी कि केंद्र ने हमें 21 अप्रैल को आश्वासन दिया था कि 480 मीट्रिक टन ऑक्सीजन प्रतिदिन दिल्ली पहुंचेगा। हमें बताएं कि ये दिन कब आएगा। हम एक निश्चित तारीख चाहते हैं जब दिल्ली को उसके कोटे का 480 मीट्रिक टन ऑक्सीजन मिलेगा। कोई भी आपके इरादों पर संदेह नहीं कर रहा है, लेकिन तथ्य यह है कि 480 मीट्रिक टन ऑक्सीजन दिल्ली नहीं पहुंचा है। हम लोगों को इस तरह मरने के लिए नहीं छोड़ सकते। बता दें कि दिल्ली में कुल 10 लाख से ज्यादा कोरोना के केसेस आ चुके हैं। शनिवार तक 24 घंटे में 24,103 केसेस का और इजाफा हुआ है। दिल्ली में 93,000 से भी ज्यादा कोरोना के एक्टिव केसेस हैं। आपके लिए खबर लिखी थी हमारे साथी अमित ने। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते रहिए दी ललित टॉक। शुक्रिया।